हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक बहुत ही खूबसूरत नीले, पर्पल, लेवेंडर से कलर के फूलों वाला एक प्लांट शेयर कर रही हूँ, जिसका नाम है थनबर्गिया इरेक्टा या थनबर्जिया इरेक्टा। इसे बुश क्लॉक वाइन, पोटेटो बूस, किंग्स मेंटल वगैरह नामों से भी जाना जाता है। इसमें अलग अलग कई तरह के कलर भी मिलते हैं। मेरे पास इसका ब्लू पर्पल सा ये कलर वाला प्लांट है। ये एक रेयर प्लांट है, हमारे यहाँ ये इजीली किसी नर्सरी में नहीं मिलता है। मुझे एक बार एक छोटे से नर्सरी में ये पौधा मिल गया था और मैंने इसे वहाँ से ख़रीदा था। ये एक पेरेनियल या परमानेंट प्लांट है। अगर आप इसे एक बार अपने गार्डन में शामिल कर लेते हैं तो फिर ये सालों साल बना रहता है और सालों साल इसमें फूल खिलते रहते हैं। इसमें 5 पंखुड़ियों वाले नीले बैगनी से कलर के ऐसे फूल खिलते हैं और आपके गार्डन को नीले फूलों से भर देते हैं। ये ईजी टू ग्रो और ईजी टू मेंटेन एक प्लांट है, काफ़ी हार्डी प्लांट है ये। सॉइल की अगर बात करें तो इसे वेल ड्रेन लेकिन बहुत अच्छे फर्टिलाइज़र वाले सॉइल में लगाना चाहिए, क्योंकि ये हैवी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, इसलिए इसे फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा चाहिए होता है। हर 15-20 दिनों में इसमें फर्टिलाइज़र डालते रहेंगे तो ही ये अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। इस प्लांट को रेगुलर वाटरिंग पसंद है। पानी की कमी से इसकी पत्तियां बहुत जल्दी झुक जाती हैं और पत्तियां झड़ने भी लगती हैं, इसलिए इसकी मिट्टी को मॉइस्ट बनाए रखना ज़रूरी होता है। वैसे थनबर्गिया इरेक्टा एक बेल वाला प्लांट है, लेकिन अगर इसकी प्रूनिंग करते रहें तो ये बुशी बना रहता है। अगर इसे पॉट में लगाते हैं तो इसकी प्रूनिंग करते रहना पड़ता है, तभी ये दिखने में घना और सुंदर दिखता है और फूल भी इसमें फिर भरे भरे से लगते हैं। अभी नवंबर के महीने में इसमें हैवी ब्लूमिंग हो रही है। साथ में देखिए, इसकी पत्तियां भी इस तरह से पीली पड़कर नीचे गिर रही हैं, शायद मौसम के बदलने का असर है ये, और फिर नई पत्तियों की ग्रोथ भी हो रही है। ये एक हार्डी प्लांट है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, तीनों मौसम ये अच्छे से बर्दाश्त कर लेता है। छोटे से छोटे पॉट में भी अच्छे से चलता है। मेरे पास ये एक वेस्ट कंटेनर में लगा हुआ है, ये 8 इंच का कंटेनर होगा और आप देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा हो गया है इसी में, और इतने सारे फूल भी इसमें एक साथ खिल रहे हैं। मेरे पास ये प्लांट 1.5 साल से है और इसमें मैंने कभी किसी पेस्ट का अटैक हो ऐसा नहीं देखा है। हालांकि मैं सभी प्लांट में रेगुलर किसी न किसी पेस्टिसाइड का छिड़काव करती रहती हूँ, तो हो सकता है इस वजह से मुझे इसमें कभी भी किसी पेस्ट का या किसी बीमारी का अटैक नहीं दिखा है। ये पूरी सनलाइट में रहने वाला प्लांट है, इसको 4 से 6 घंटे की धूप ज़रूर मिलनी चाहिए ब्लूमिंग के लिए। हाँ, गर्मी के दिनों में इसे अगर हम दोपहर भर तेज़ धूप में रखते हैं तो कई बार ये पौधा दिन के वक्त मुरझाया हुआ सा भी हो जाता है धूप की वजह से। और मेरे इस प्लांट में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कलियां आपको दिखाई दे रही होंगी, ये देखिए छोटे छोटे से इस तरह से, तो अभी ये काफ़ी लंबे टाइम तक खिलता रहेगा ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें अलग अलग साइज़ की ढेर सारी कलियां अभी भी हैं। थनबर्गिया इरेक्टा को कटिंग के थ्रू बहुत इजीली प्रोपोगेट किया जा सकता है। ये देखिए, मैंने एक बॉटल का जो ऊपरी हिस्सा है उसी में मिट्टी भरकर इस कटिंग को मैंने बारिश के दिनों में लगाया था और अब इसकी ग्रोथ चालू हो गई है और देखिए इसमें छोटे छोटे से बड्स भी दिखाई देने लग गए हैं, तो अब मुझे इसमें से निकाल कर इसे किसी थोड़े बड़े पॉट में लगाना पड़ेगा। और ये एक दूसरी कटिंग को मैंने ग्रो बैग में लगाया था बारिश के दिनों में और ये भी अब अच्छे से ग्रो होने लग गई हैं, इसमें नई ग्रोथ भी शुरू हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ गर्मी के दिनों को छोड़कर इसकी कटिंग को हम बाकी किसी भी सीज़न में अगर ग्रो करते हैं तो ये अच्छे से ग्रो हो जाता है। अभी नवंबर के मंथ में भी मैंने 2-3 छोटी छोटी कटिंग्स को ग्रो किया है तो वो भी अच्छे से ग्रो होने लग गए हैं, अभी 8-10 दिन ही हुए हैं उनको लगाए हुए। ये प्लांट अगर आपको कहीं मिल जाता है या इसकी कटिंग ही मिल जाती है तो इसे आप ज़रूर ग्रो कीजिए, बहुत खूबसूरत फूलों वाला प्लांट है, कम देखभाल में चलता है और सालों साल चलता रहता है।
तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट भी कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।